नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीन तार वाले जो टेबल फैन होते हैं, सीलिंग फैन होते हैं और कूलर का मोटर होते हैं, उसके साथ में कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। और दोस्तों, ये कैपेसिटर का कनेक्शन करने के लिए ना ही आपको सीरीज बोर्ड का जरूरत है और ना ही आपको मल्टीमीटर का जरूरत है। आप ये तीनों तार को देखकर ही पहचान जाओगे और इसके साथ में ये कैपेसिटर का कनेक्शन आराम से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो तीन तार निकला हुआ होगा वो कुछ अलग कलर में होगा। ये जैसे कि देख सकते हैं, मेरा एक व्हाइट कलर में है, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में। हो सकता है आपका अलग कलर में होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तीनों में से एक तार आपका जरूर रेड कलर में होगा। जैसे कि ये मेरे पास में एक तार रेड कलर में है, तो वैसे ही आपका एक तार रेड कलर में जरूर होगा। तो रेड कलर में जो तार होगा वो दोस्तों हमारा कॉमन का तार है, यानी कि वो वाला जो तार है उसको हमें छोड़ देना है और बाकी जो हमारा दो तार बचता है उसके साथ में हमारा जो कैपेसिटर का दोनों तार है उसको हमें कनेक्शन करना है। यानी कि आपका जो मोटर में रेड कलर का तार निकला हुआ होगा उसको आपको छोड़ देना है और बाकी जो दो तार है उसके साथ में ये कैपेसिटर का दोनों तार को आपको कनेक्शन कर देना है। और ये जो हमारा व्हाइट कलर की तार है, सफ़ेद कलर की, इसके साथ में मैंने कैपेसिटर का और एक तार को कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों तार के साथ में हमारा कैपेसिटर का दो तार कनेक्शन हो चुका है। अभी दोस्तों हमें फैन में करंट देने के लिए दो तार को लेना है। एक तार को क्या करना है, ये जो हमारा रेड कलर का कॉमन वाला तार है जिसको हमने छोड़ दिए थे, इसके साथ में बिजली का एक तार को हमें लगा देना है। तो देखिए, ये एक तार हमारा लग चुका है। और जो दूसरा तार है उसको हमें क्या करना है, ये जो हमारा दोनों तार है इन दोनों में से किसी एक के साथ में सबसे पहले लगा के चेक करना है हमारा फैन सीधा घूमता है या फिर उल्टा घूमता है। तो मैंने इसके साथ में लगा के चेक कर रहा हूँ, ये जो हमारा ब्लू कलर का तार जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने कनेक्शन कर लिया हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये जो रेड कलर का तार है इसको हमें छोड़ देना है और बाकी जो दो तार बचते हैं उसके साथ में ये कैपेसिटर का दोनों तार को लगा देना है। और जो बिजली का दो तार है उसमें से एक तार को हमें क्या करना है, ये जो रेड कलर का तार है इसके साथ में लगा देना है और बाकी जो दूसरा है उसको हमें ये दोनों में से किसी एक के साथ में सबसे पहले लगा के चेक करना पड़ेगा हमारा फैन उल्टा घूमता है या फिर सीधा घूमता है। अगर हमारा फैन उल्टा घूमता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो बिजली का एक तार है इसको हमें यहाँ से हटाना है और इस तार के साथ में लगा देना है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं हमारा फैन सीधा घूमता है या फिर उल्टा घूमता है। तो दोस्तों, ये फैन हमारा उल्टा घूम रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जो बिजली का तार ये ब्लू कलर का तार के साथ में जोड़े हैं, इसको हमें यहाँ पर ये व्हाइट कलर का तार के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैंने ये फैन को बंद कर लेता हूँ और अभी मैंने क्या करता हूँ, ये जो हमारा बिजली का ब्लैक कलर का तार इसके साथ में जुड़ा हुआ था, इसको मैंने ये व्हाइट कलर की तार के साथ में जोड़ लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी देखिए दोस्तों, हमारा फैन बिल्कुल सीधा घूम रहा है जैसे घूमना चाहिए। तो अभी हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो तीन तार वाला टेबल फैन होता है, सीलिंग फैन होता है या फिर कूलर का मोटर होता है, उसके साथ में ये कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।